एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक और चमकता सितारा खो दिया है। रविवार 8 अगस्त की रात मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से अनुपम श्याम जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अनुपम जी ने बॉलीवुड के साथ साथ टीवी में भी कई दमदार रोल्स निभाए, लेकिन आखिर टीवी और बॉलीवुड के इतने जाने माने और बड़े स्टार की कैसे हुई ऐसी गंभीर हालत? इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद आखिरी दिनों में क्यों पाई पाई को तरसा ये स्टार? तो आज इस वीडियो में हम आपको अनुपम श्याम जी की पूरी कहानी बताएंगे, जो आपको हैरान भी कर देगी। थिएटर के लिए किया खूब काम। अनुपम श्याम जी का जन्म 20 सितंबर 1957 को यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाटकीय अकेडमी से थिएटर की पढ़ाई की। लखनऊ से पढ़ाई पूरी करने के बाद श्याम जी दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली के श्री राम सेंटर रंगमंडल में काम किया, जिसके बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रंगमंडल में लंबे समय तक काम करते रहे। टीवी से की करियर की शुरुआत। थिएटर में कई सालों तक काम करने के बाद श्याम जी को पहला ब्रेक टीवी से ही मिला। अनुपम श्याम जी ने साल 1995 में दूरदर्शन के टीवी शो अमरावती की कथाएं से एक्टिंग की दुनिया में एंट्री ली। इस शो में वो छोटे से रोल में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने 1996 में फिल्म सरदारी बेगम के जरिए हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद बॉलीवुड में उन्हें एक से बढ़कर एक दमदार रोल्स वाली फिल्में मिली, जिनमें लज्जा, दुश्मन, दस्तक, नायक द रियल हीरो, शक्ति द पावर, पाप, रक्तचरित, बैंडिट क्वीन, स्लम डॉग मिलियनर जैसे कई दमदार फिल्में थी। इन तमाम फिल्मों में वो विलन के रोल में नजर आए, जिससे उन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई। टीवी में कैसे रखा कदम? बल अनुपम श्याम जी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी, ऐसे में टीवी से उनका नाता पुराना ही था। लंबे वक्त तक वो बॉलीवुड में अपने विलन के रोल में तो नजर आए ही, लेकिन टीवी से नाता उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो लगातार टीवी में काम करते रहे। 1995 में अनुपम जी अम्मा एंड फैमिली शो में अब्दुल हामिद के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद वो साल 2005 में रिश्ते, क्योंकि जीना इसी का नाम है जैसे शोज में नजर आए, लेकिन साल 2008 में आए शो मन की आवाज प्रतिज्ञा ने तो उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जो हर स्टार पाने की इच्छा रखता है। प्रतिज्ञा शो में उन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह के दमदार किरदार को निभाकर हर तरफ खूब वाहवाही लूटी। इस रोल ने अनुपम श्याम जी को घर घर में मशहूर कर दिया था। खुद अनुपम श्याम जी इस रोल से बेहद खुश थे और इसे अपना फेवरेट किरदार बताते थे। ये किरदार उनका इतना पॉपुलर हुआ कि टीवी की ऑडियंस उन्हें इसी नाम से पहचानने लगी थी। आखिरी वक्त में हो गई थी बुरी हालत। आपको बता दें कि अनुपम जी पिछले 40 सालों से डायबिटीज से जूझ रहे थे और साथ ही उन्हें हाई बीपी की समस्या भी थी। बीच में उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी होने लगी थी, तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है। इसके लिए उन्होंने काफी हैवी दवाएं शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से असर पड़ा उनकी किडनी पर। लंबे वक्त से उनका डायलिसिस हो रहा था। बीमारियों की वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे काम कम हुआ और उनकी जमा पूंजी उनके इलाज में खत्म होती चली गई, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। साल 2020 में उन्होंने मदद की गुहार तक लगाई थी, जिसके बाद तमाम स्टार्स ने उनके लिए मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया और उनका इलाज भी करवाया। आपको बता दें कि प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग के दौरान थी, उनकी हालत काफी नाजुक थी। उनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था। हालांकि तमाम बीमारियों की वजह से उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनके शरीर के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 8 अगस्त की रात को उनका निधन हो गया। बल अनुपम जी के जाने से आम लोग तो काफी सदमे में है ही, साथ ही उनके साथ कई टीवी शोज और फिल्मों में काम कर चुके स्टार्स भी काफी सदमे में हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।